इशिका मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? सर मेरे पास बंधन बैंक के शेयर हैं 750 एट द रेट ऑफ 201। हम बहुत डिसअपॉइंट करता रहता है ये स्टॉक, है ना? आपने क्यों लिया था सर? एक्चुअली जब अभी इसके रिजल्ट आए थे ना पीछे, तो ठीक उसी लग दिन रहा ही था। लिया था। अगले दिन न्यूज आ गई कि सीईओ ने रिजाइन दे दिया, तो फिर शेयर गिर गया। वो रिजल्ट नहीं, अपडेट आया होगा बंधन बैंक। हाँ अभी आया था, फिर सीओ के रिटायरमेंट की खबर आ गई। अमित जी कुछ ना कुछ आता ही रहता है इसमें, ये मजा नहीं आ रहा है, चल के ही नहीं देता है स्टॉक। चलता है तो उससे ज्यादा गिर जाता है। कैसा है बंधन बैंक? मेरी 21 रुपए की अभी भी लॉसेस हो रहे हैं, क्या करना है? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लो हाई बना रहा है स्टॉक, तो स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो वीक है। लेकिन ओनली पॉजिटिव पॉइंट अब जो मैम के फेवर में यहाँ पे जा रहा है कि अगर मंथली चार्ट देखे तो 170 से 175 इसका मंथली सपोर्ट जोन है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। देख चार्ट देख के लगता नहीं है कि वो वॉयलेट होगा, लेकिन सलाह यहाँ पे यही है कि कोई बाउंस बैक आए, कोई पुल बैक आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, बेटर अपॉर्चुनिटीज दूसरे बैंकों में देखें। इसका स्ट्रक्चर फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। हाँ निकलने की कोशिश करें, किसी भी उछाल में मैम निकलें। बहुत रुला रहा है ये स्टॉक, ऐसा फायदा नहीं है, आसपास वाले सब चल रहे हैं, अपने ही गिरा पड़ा हुआ है, तो मौका देख के एग्जिट करना है, वीक है। चंद्रिका मैम, अगला सवाल लक्ष्मी मशीन की गाड़ी कमाई के बाद। दूसरे मेरे पास बाटा है, 25 shares at ₹150। अरे हस्बैंड ने तो कमाल कर रखा है, ये तो बड़े खतरनाक स्टॉक पिकर लग रहे हैं। इसको मैं ऐड करूं या फिर क्या करूं? ये भी हस्बैंड का आइडिया था क्या? हाँ अच्छे, एक्चुअली हम लोग एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं ये ग्रुप कंपनी को ही देख के करते हैं, तो जो भी है वो। ये 150 में बाटा कितना पुराना माल है? बहुत पुराना है, सिंस लॉन्ग टाइम। गजब है भाई साहब, 150 वाला अमित जी बहुत रुला है। ये मैम की खरीद तो अलग बात, अदरवाइज तो ऑफलेट डिसअपॉइंटिंग रहा है, बाटा अंडर परफॉर्मर रहा है। खैर कंज्यूमर फेसिंग स्टोरी सब ऐसे ही कर गई है, पर बाटा पिछले हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ चैनल पर रिकमेंड करा जा रहा है बार बार, शायद समीकरण बेहतर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या बाटा? अब क्या लग रहा है, व्यू कैसा बन रहा है? जी आशीष जी, डेफिनेटली स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा, एक फॉल में रहा, लगभग 1800 के लेवल से 1363 आ गया। लेकिन ये बात सही है कि कुछ दिनों से यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं चार्ट्स पे कि अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे हो रही है। अगर मोमेंटम का चार्ट देखें तो वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 1300 सवा 1300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है एज अ रिवर्सल ट्रेड यहाँ से स्टॉक एक बार रिवर्स करेगा। 1300 का स्टॉप लॉस रखिए, पुल बैक आएगा जो कि लगभग इसे 1450-1500 तक लेके जा सकता है। एड की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपकी बहुत पुरानी पोजिशन है तो बने रहें, कोई लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई चिंता का विषय है। अरे वाह स्वाति जी, अगला सवाल। सर मेरे पास जोमेटो है 20 shares एट द रेट ऑफ 169, मुझे पूछना है क्या मैं यहाँ और ऐड कर सकती हूँ? हाँ सही बात है अमित जी, रिपोर्ट्स फंडामेंटली तो 250-260 के लक्ष्य वाली भर भर के आने लगी हैं, और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या ये? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है पहली बात, यहाँ पे बने रहे, लेकिन अगर मैम को ऐड करना है तो मैं ये कोई पुलबैक लेवल्स इसका लगभग 180-185 के आसपास आता है, तो पुलबैक में रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है, कभी उन लेवल्स पे मिले तो लीजिए, नहीं तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करके रखें, देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस इन द चार्ट, चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऐड अभी नहीं करना है, आपके पास जो है उसे एंजॉय करिए, अगर गिरावट आती है किसी वजह से तो बिल्कुल आपके लिए बेहतर होगा कि उन जोन्स पे 180-185 के जोन्स पे चाहें तो और ऐड करें। इशिका मैम अगला सवाल। सर मेरे पास ना इंफोसिस के शेयर थे 100 एट द रेट ऑफ 15-17। इंफोसिस 15-17 के रेट पे है, लंबी अवधि के लिए कि अभी ट्रेडिंग वेडिंग का मन बन गया था रिजल्ट्स के बीच में? वैसे सर ये आईटी के रिजल्ट्स आ रहे थे ना, इसलिए ले लिया था। सब रिजल्ट्स पे लेते हो आप, आपको कैसे पता रिजल्ट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? सर बिल्कुल भी रिजल्ट्स पे नहीं लेते, मैं पहली बार ही ऐसे लिया। अच्छा पहली बार ऐसा लिया, पर वो बंधन में भी फिर आपने ऐसा किया था? सर बंधन में ना कॉल दे रहे थे कि 209 तक जाएगा। और जिसने दी होगी उसने स्टॉप लॉस भी बोला होगा? स्टॉप लॉस ही सर मैंने लगाया। हाँ अब चलिए इंफोसिस, अमित जी
कुछ आइडिया क्या नतीजे कैसे रहेंगे, कुछ पता चला क्या आपको? मैम ने नतीजे पे दाव लगाया है जी आशीष जी, नतीजों का तो बिल्कुल नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो 1400-1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बट ये सब जो आईटी स्टॉक्स है ये रिजल्ट पे काफी मूव देते हैं बोथ ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, तो ये बात आप मैम जरूर ख्याल रखिएगा। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर रिजल्ट यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव आते हैं, अगर कॉमेंट्री अच्छी रहती है, मुझे लगता है ये एक अच्छा जोन है रिवर्सल का, तो सारा दरमदार इसका रिजल्ट के ऊपर है, रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा इसके कैसे आते हैं। चलिए भाई इस नोट पे चंद्रिका मैम, स्वाति जी, इशिका मैम और वैसे अमित जी जो है हमारे सीएनबी सेवास के कोर पैनल का ही हिस्सा हैं, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज अमित जी ये बताओ, जाते जाते मैम के लिए कोई ज्वेलरी वेलरी खरीदी क्या आपने हाल फिलहाल? नहीं आशीष जी, अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अभी कुछ गोल्ड के चार्ट्स कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी इस टॉपिक को अवॉइड करता हूँ। नहीं क्योंकि सेनको गोल्ड आपके इलाके की कंपनी आज फट गई है डॉक्टर साहब, दिखाते जाओ ब्रेक पे जाते जाते वो क्वार्टर फोर के अपडेट्स, 17% सेनको गोल्ड उस अपडेट पे मजबूती से खड़ा हुआ। अमित जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक्चुअली निफ्टी तो दिखाया था मैंने आपको, ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूँ, मिड कैप्स पेन में 1% ब्रेथ कमजोर है। हाँ सुबह की बहुत डिटोरिएटिंग ब्रेथ के साथ, पैनिक वाली ब्रेथ के साथ शुरुआत हुई थी, तो वहां से तो ब्रॉडर मार्केट्स रिकवर करे, ये लकीरें उस तरह का मूड बयां नहीं करेगी क्योंकि 1:15 का रेशियो था वो दिखेगा नहीं अभी भी, लेकिन 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। अभी भी जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% इन रेड कामकाज कर रहे हैं, तो मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स की डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पर मिड कैप मंथ में देखिए, अपनी मुलाकात सास बहु और सेंसेक्स में कल 12:27 पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।